एक श्लोक है, कर्मण्य कर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह। स बुद्धिमान मनुष्यु स युक्त कृत्स्न कर्म कृत। जो कर्मों में अकर्मता को देखता है, अकर्म में कर्म को देखता है, ये कैसे होता है? देखो, जब आप कुछ भी नहीं करते होते तब भी आप कुछ कर रहे होते। आपका ना ही कुछ करने से भी कुछ होता है। मान लो आप डॉक्टर हो, आप किसी को दवा नहीं देते हो तब भी कुछ होता है ना? Yes. अच्छा, आप डॉक्टर हो, किसी को दवा देते हो, फिर भी वो बचता नहीं है तो क्या होता है? आपके करने के बाद भी कुछ हो नहीं रहा है, है ना? तो नहीं, इस तरह से जीवन में हम देखेंगे, हम कुछ भी नहीं करते हुए होते तब भी कुछ हो रहा होता। विचार होते होंगे, विचार भी नहीं होते हैं, ऐसे आप स्थिर है, समाधि में हो, उस समाधि से तो सब कुछ होता है, बहुत कुछ होता है काम। तो हमारा नहीं करने से भी कुछ होता है, और हम जब बहुत कुछ करते हैं तब कहीं तो हमारे भीतर हमको लगता, अरे मैं तो नहीं कर रहा हूँ, सब हो रहा है। आज आप किसी भी जेल में आके किसी भी कैदी से, अपराधी से पूछो, तुमने कैसे क्या, अरे मैंने तो नहीं किया जी, ऐसे हो गया। ऐसे किसी जीनियस व्यक्ति से पूछो जो बहुत अच्छा काम किए, आपने तो इतना बढ़िया काम कर दिया, वो बोले नहीं जी, पता नहीं कैसे हो गया, सब हो गया। तो ये जो ज्ञान होता है, सब कुछ करने के बाद भी मैंने नहीं किया, कुछ नहीं करते हुए भी सब कुछ कर डाले, ये बुद्धिमत्ता है। माने बुद्धि इतना सूक्ष्म हो जाए, तीक्ष्ण हो जाए, तब इस बात को पकड़ सकते हैं। जब बुद्धि अहंकार के साथ गुल मिल गया तब उसको लगता मैंने किया, मैंने किया, तब वो दुखी हो जाता, फिर मैंने नहीं किया आत्मग्लानी महसूस करता। जब बुद्धि सूक्ष्म होता है तब वो सिर्फ साक्षी, जहाँ मैंने गलती करी या किसी और ने किया, उन दोनों से ये समान रूप से देखते हैं। नहीं तो अपनी गलती को एक तरह से देखते हैं हम, दूसरों की गलती को दूसरे दृष्टि से देखते हैं। जब बुद्धि तीक्ष्ण होता है, क्या अरे मेरे से ऐसा हुआ तो उससे ऐसा हो गया, तब जो भी उससे गलती करी उसको जो शिक्षा देना वो देना चाहिए, मगर हम मन विचलित नहीं होगा, बुद्धि एक साक्षी भाव में बना रहता है, समता में बनी रहेगी, वही सच में करता है, बाकी तो ऐसे कठपुतली है जिसका बुद्धि तीक्ष्ण हो गया, जो समाधिस्थ हो गए, उन्हीं के पास तो शक्ति होता है कुछ करने का, बाकी तो बह रहे हैं दरिया में।